नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां बात करेंगे पौड़ी की, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल पौड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल पौड़ी पहुंचे, जहां पौड़ी पहुंचकर उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। बता दें कि गणेश गोडियाल ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने पर इसे केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया। इस दौरान गणेश गोडियाल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर हावी पड़ रही है, ये बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ बीजेपी तानाशाही से लोकतंत्र को कुचल रही है, इसलिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। गणेश गोडियाल ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारों पर ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को बीजेपी सरकार ने समाप्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है, जो 2024 में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ऐसे में केंद्र बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर डाला है। सद में हो चाहे संसद से बाहर हो, सच्चाई बयां की है। इस देश की राजनीतिक हालात जो कि सरकार और कॉरपोरेट के गठबंधन से संबंधित है, राहुल गांधी जी ने बहुत ही विनम्र शब्दों में सरकार से सिर्फ ये बात पूछी कि 20,000 करोड़ रुपये सेल कंपनियों के द्वारा जो अडानी जी के खातों में आया, और जिनको की ये भी जानकारी मिली है कि वो रक्षा कारोबार से संबंधित कंपनियां हैं, क्या सरकार बताएगी कि ये पैसे किसके हैं? सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश के आदरणीय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनका, और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण जवाबदारी के रूप में उन लोगों ने मुझे ये दायित्व दिया है। और आज वाकई आज लोगों का कहना भी कि आज महसूस हो रहा है कि जो है जब पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद मिला है तो तब महसूस हो रहा कि आप जो है आज हम किसी पद पर बैठकर किसी डिसीजन को, किसी संगठन को मजबूत। तो ब्रिटेन में बात है हरिद्वार की, जहां राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद एक और मानहानि का केस उन पर दर्ज हुआ है। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि को लेकर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा था कि आरएसएस 21वीं सदी का कौरव है, जिसको लेकर आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने हरिद्वार कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए 12 अप्रैल को सुनवाई की तारीख रखी है। बता दें कि कमल भदौरिया ने अपने वाद में कहा कि राहुल गांधी के बयान में आरएसएस के कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें आहत पहुंची है, जिसके चलते उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर हरिद्वार कोर्ट में वाद दायर किया है। दरअसल राहुल गांधी ने 9 जनवरी 2023 को कुरुक्षेत्र अंबाला में आरएसएस की 21वीं सदी का कौरव बताया, और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आज के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और हाथ में लाठी लिए होते हैं। इसको लेकर आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया। इसमें कमल भदौरिया ने कहा कि देश में कहीं पर भी कोई आपत्ति आती है तो आरएसएस एक अहम भूमिका निभाता है। बता दें कि ये वाद कमल भदौरिया ने वकील अरुण भदौरिया की ओर से दाखिल किया है। राहुल गांधी ने जनवरी 2023 में एक भाषण दिया, जिसमें राहुल गांधी ने बताया कि 21वीं सदी के जो कौरव हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। तो सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यही कही कि 21वीं सदी के जो कौरव हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, बल्कि उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रखी है, उसके बावजूद भी उन्होंने आरएसएस की जो तुलना है वो कौरवों से करी। और आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि देश में जब भी विपत्ति आई तो आरएसएस का उसमें अहम योगदान रहा, हर प्रकार से आरएसएस के द्वारा सहायता प्रदान करी गई, चाहे वो दूसरे देश में युद्ध की बात हो या किसी भी प्रकार की बात हो। तो इस कृत्य को लेकर हमने जो है हरिद्वार कोर्ट में उनके खिलाफ वाद दायर किया। राहुल गांधी के खिलाफ धारा 499 500 IPC में डिफेमेशन का एक वाद दायर किया गया है। ये आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने जुडिशल मजिस्ट्रेट श्री शिव सिंह की कोर्ट में दायर किया है। इन सब बातों को देखते हुए पहले हमने लीगल नोटिस भेजा राहुल गांधी को, राहुल गांधी को नोटिस मिल गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो समय निकलने के बाद हमने उनके खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में बात है, और अब 12 अप्रैल 2023 लगी है, धारा 499। तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष एजाज हसन हरिद्वार पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष एजाज हसन ने इफ्तार कार्यक्रम में शिरकत की।
बीजेपी जिला अध्यक्ष एजाज हसन हरिद्वार पहुंचे जहां जिला उपाध्यक्ष जुल्फकार अली और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनने के बाद एजाज हसन पहली बार पंजपुरी में रोजा इफ्तार कार्यक्रम में पहुंचे थे। बता दें कि जिलाध्यक्ष ने रास्ते में विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद कार्यक्रम में पहुंचकर पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां बैठक में जिलाध्यक्षों ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के पंचपुरी की स्थिति के बारे में जाना और कार्यकर्ताओं से आने वाले 2024 चुनाव में पूरी शक्ति के साथ जीत हासिल करने की बात कही। इस दौरान जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा एजाज हसन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में जन जन से मन में बसे हुए हैं, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के कौशल नेतृत्व में देश एक के बाद एक विधानसभा चुनाव जीतने में लगातार जीत हासिल कर रहा है, जिसको लेकर बीजेपी आगे भी ऐसे काम आगे करती रहेगी। देखिए, आज कल हमारी पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, जिसमें हमारे जुल्फिकार भाई को, जो कि मौजूदा प्रधान भी हैं, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है और आपके ग्राम से ही, आपके क्षेत्र से ही, विधानसभा से दूसरे पदाधिकारी भी बने हैं, जिसमें भाई हमारे समून भी हैं, चैम्पियन रहे हैं, पंजा चैम्पियन रहे हैं, हमारे नसीम सलमानी जी हैं, हमारे हुसैन भाई हैं, शाहनवाज सलमानी हैं, तो सब लोगों को, जिनको भी पदाधिकार मिला है, पदभार मिला है, वो सब लोग जनता के बीच में पहले से मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई एक दिन की पार्टी नहीं है जो चुनाव के टाइम पे आपके सामने आएगी और आपको चिकनी चुपड़ी बातें बताएगी, एक प्रोपेगेंडा रचेगी और आपके वोट। तो पश्चिम बंगाल और बिहार में रामनवमी पर हुए दंगों को लेकर हरिद्वार में संत समाजों ने नाराजगी व्यक्त की है। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के कई राज्यों में जुलूस पर पथराव किया गया, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और इसको देखते हुए सभी इलाकों में धारा 144 लागू करनी पड़ी। इस घटनाक्रम को लेकर हरिद्वार के संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं संतों ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाए जाने की मांग की है। इस दौरान विद्यापीठ के प्रथमाध्यक्ष स्वामी आदि योगी महाराज ने कहा है कि यह बहुत ही दुखद घटना है कि रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के कई राज्यों में इस तरह की घटना सामने आई है। इस देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने निवेदन किया है कि कुछ असामाजिक तत्वों पर इस घटना को ने अंजाम दिया है, जिसको लेकर कड़ा कानून बनाना चाहिए, जिससे ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिल सके। बहुत दुखद की बात है और मैं समझता हूँ खासकर ये पश्चिम बंगाल में और बिहार में हमारे प्रधानमंत्री जी से ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगा और अमित शाह जी से, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जिस प्रकार से ऐसा नरसंहार कर रहे हैं और खासकर ऐसे पर्वों पर जो कि हिंदुओं के मुख्य पर्व हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए और यह कड़ा कानून न कि सिर्फ कानून बनकर रह जाए, इस पर सजा भी होनी चाहिए। इस तरह के दंगाई को कभी माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह सिर्फ हिंदुओं की आस्था का विषय नहीं है, यह मानवता का विषय है, यह लोकतंत्र का, मैं समझता हूँ, हत्या है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर जोरों से तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर उत्तरकाशी डीएम ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जानकारी दी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने मीडिया से बातचीत की, साथ ही यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सफलतापूर्वक संचालन को लेकर होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल और टैक्सी यूनियन के साथ चर्चा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि यात्रा व्यवस्थाओं में सफल संचालन को लेकर इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को 12 सेक्टर में बांटा गया है। उन्होंने आगे कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं को निर्माण कार्यों में तेजी के लिए सभी निर्देश दिए जा चुके हैं। दोनों धामों में यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली जाएंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टरों के लिए तैनाती कर दी गई है, साथ ही यात्रियों की स्क्रीनिंग भी इस दौरान की जाएगी और आपात स्थिति के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए जानकी चट्टी पर एक कार्डिक वैन भी उपलब्ध रहेगी। तैयारियों को लेकर सभी विभागों की और मीडिया के साथ विचार विमर्श ब्रीफिंग की गई है। इसमें विभागों द्वारा जो इतनी तैयारियां की गई है अभी तक और आगे जो उनके कार्यों को संपादित करने की योजना है, इसके बारे में उन्होंने अपना वर्जन दिया है। और इसके साथ ही आप जो धरासू बैंड की बात कर रहे हैं, तो इस पर लगातार बीआरओ से हम संपर्क में हैं कि आने वाले समय में, बिल्कुल सही बात है कि वह एक संवेदनशील स्थान है और यात्रा रूट डिस्टर्ब हो सकता है वहां पर, तो
तो उसके लिए बीआरओ के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वो समय रहते इन व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश करेंगे और इस तरह के जो संवेदनशील स्थान है जैसे बंदर पोर्ट अरासू बैंड है इनके सुधारीकरण की विस्तृत कार्ययोजना बनाकर भारत सरकार से भी सैंक्शन हुई है और उसमें टेंडर प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई की भी प्रक्रिया चल रही है। जब वो कार्य होगा उसी के बाद स्थायी समाधान उन स्थानों के हो सकेंगे। तो ब्रिटेन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं जहां अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। यहां प्रशासन ने 5 स्टोन क्रशर को सीज किया है, साथ ही 2 गाड़ियों को भी सीज किया है। हरिद्वार में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि अवैध खनन को लेकर राजस्व और खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व और खनन विभाग ने अवैध खनन को लेकर 5 स्टोन क्रशर और 2 गाड़ी सीज की है। दरअसल भोगपुर में खनन विभाग ने औचक निरीक्षण किया जहां भोगपुर क्षेत्र में महादेव स्टोन, तेजस स्टोन, शिवा स्टोन, हिमगंगे स्टोन और सेंचुरी पार्क स्टोन क्रशर में अवैध खनन में जमा उपखनिज पाए जाने के बाद सभी स्टोन क्रशर को सीज कर दिया गया है। तो वहीं विभाग ने अवैध खनन में शामिल 2 गाड़ियों को भी सीज किया है। स्टोन क्रशर की शिकायत मिली थी कि स्टोन क्रशर के अंदर गड्ढा करके अवैध खनन किया जा रहा है, उसके चक्कर में पेमाइज कर दी है और स्टोन क्रशर को सीज कर दिया गया। आगे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कहां कहां पर अवैध खनन किया गया, उसकी जांच करके तहसील की टीम के साथ जहां भी इलीगल होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं बट हमसे पहले वो खबरें फैल जाती है, उसके चक्कर में हमको ये मौके पे पकड़ नहीं पा रहे इन लोगों को। पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी रही, रात भी जारी, हम फील्ड में ही थे, ये देखने के लिए फील्ड में थे कि कौन कौन से स्टोन क्रशर इलीगल कर रहा है। तो जाके तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की तरफ से की गई हड़ताल की। बता दें कि लोक निर्माण विभाग के कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने वेतन खामियों और कई मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और हड़ताल शुरू की है। तो वहीं इस हड़ताल का असर सड़कों में निर्माण कार्यों पर देखने को मिलेगा। इस दौरान आंदोलित कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार की तरफ से वेतन खामियों को सही करने का आश्वासन मिलने के बावजूद अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया गया है, जबकि कर्मचारी पिछले 10 सालों से इन सभी मांगों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही उनकी मांगों को लेकर आदेश जारी नहीं करती है तो आगे सभी इस हड़ताल को जारी रखेंगे। उत्तराखंड महासंघ पूर्व से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है और पूर्व में भी कुछ हमारी मांगे थे उन पर शासन स्तर पर वार्ता हो चुकी थी और उसका आज दिनांक तक भी कोई शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है और उसके इतर भी हमारे कुछ नई मांगे इस पर हैं, जैसे हमारा 5400 ग्रेड पे अभी तक हमें हमारे साथी को प्राप्त नहीं हो पाया है जो 10 साल के बाद मिलना हुआ था और उसके बाद कार आरक्षण भत्ता हो गया है, ओपीएस जैसी मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं, अभी ये हमारी मांगे इसमें हैं और इसके उस पर आज हम 1 अप्रैल से आंदोलन पे प्रथम चरण में हैं, आंदोलन के प्रथम चरण में हैं। अगर ये हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो 28 तारीख तक हमारा प्रथम चरण का आंदोलन चलेगा और उसके बाद भी अगर हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उच्चाधिकार समिति द्वारा इसमें निर्णय लिया जाएगा और आंदोलन। तो ब्रिटेन में बात तो मसूरी की कर लेते हैं जहां मसूरी देहरादून हाईवे पर धरना हादसा हुआ। बता दें कि यहां एक रोडवे बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। उत्तराखंड से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल मसूरी देहरादून हाईवे पर रविवार दोपहर एक रोडवे बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि इस बस में करीब 40 लोग सवार थे जहां खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। इसके बाद 19 घायल लोगों को देहरादून अस्पताल भेजा गया तो वहीं कुछ घायलों को मसूरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज की कमी से अब कोई और कैजुअल्टी ना हो सके इसके लिए तेजी से मौके पर राहत बचाव का काम किया जा रहा है तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि पुलिस, फायर सर्विस टीम और एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं जहां जानकारी के मुताबिक स्थानीय पुलिस और ITBP के जवान सहित कुछ स्थानीय लोग घायलों को खाई से बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि अली तुरंत चलिए मेरे साथ, बस पलट चुकी है, तो इंस्पेक्टर साहब को साथ में लेके मैं नीचे पहुंचा। फिर जो बच्चे दो डेड हुए बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, देखा भी नहीं जा रहा था, उनको ऊपर पहुंचाया, फिर वो आम जनता भी इकट्ठी हो गई, फिर पुलिस सर्विस सब आ गए, पुलिस डिपार्टमेंट सारा आया, कोई बाइक से किसी तरह सब आ गए, फिर इंस्पेक्टर साहब भी नीचे पहुँच चुके थे उस वक्त, सभी को ऊपर पहुँचाया, अस्पताल पहुँचाया, कुछ लाचार हैं, हमारे SDM साहब भी आ चुके हैं, वैसे सब उन्होंने भी सब अच्छे से देखभाल कर रहा है, सबको अस्पताल पहुँचा दिया। देखिए पहले तो मैं प्रार्थना से करूँगा परमात्मा से कि जो इस दुखद घटना जो ये हुई है
भयानक भीषण दुर्घटना है बस की, जो रोडवेज की बस गिरी है, इसमें जो आहत होने वाले हैं, मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि वो ठीक हो जाएं और सब अच्छा हो। और ये बिल्कुल जांच का विषय है, इसमें स्ट्रिक्टली सरकार को चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए कि ये जांच करें, क्योंकि इससे पूर्व में भी एक बस इसी तरीके से पिक्चर पैलेस के नीचे भी दुर्घटना हुई थी और इसमें भी दुर्घटना हुई। जांच हो कि टेक्निकल फॉल्ट थी या ड्राइवर का फॉल्ट था या क्या किसकी गलती थी, जो भी है इसमें कठोर कार्रवाई हो और लोगों की जान माल की सुरक्षा। हमारी सरकार से अनुरोध है कि वो इस तरीके की नई बसें जो है पहाड़ के लिए, क्योंकि पर्यटन यहाँ पर आता है, नई बसें होनी चाहिए जिससे कि इन दुर्घटना से, वैसे तो दुर्घटना कब हो जाए इसको कोई रोक नहीं सकता। इसमें 40 से ज़्यादा लोग होंगे और घटना कारण तो अभी इसमें जाँच की जाएगी क्यों यहाँ पर हुआ है और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कैजुअल्टी का कुछ कैजुअल्टी अभी डिक्लेयर नहीं है कुछ ऐसा, बट 3 लोग हैं जो अत्यंत घायल हैं। कितने लोग घायल? ज़्यादा गंभीर घायल लोग, 3 लोगों की स्थिति ज़्यादा घायल हैं और 18 से 19 ऐसे लोग हैं जिनके कम चोटें हैं। कहाँ भेजा सर इनको? इनको देहरादून हॉस्पिटल भेजा। तो मसूरी में ही एक स्कूटी सवार युवक की खाई में गिरकर मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव का काम किया। मसूरी में एक स्कूटी सवार युवक खाई में जा गिरा जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, SDRF की टीम और फायर सर्विस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों की मदद से युवक को खाई से निकाला गया, जिसके बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान मसूरी कोतवाल दिखवाल ने बताया कि युवक मसूरी से देहरादून जा रहा था और अचानक मसूरी देहरादून झाड़ी पानी चूना खाल के पास उसकी स्कूटी अनियंत्रित हो गई, जिससे उसके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल को खाई से निकाला गया। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक वसंत विहार देहरादून का रहने वाला था, तो वहीं पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो बुलेटिन में बात तो खटीमा की कर लेते हैं, जहां सवारी से भरे वाहन और कार की टक्कर हुई। उत्तराखंड में खटीमा में बड़ा हादसा सामने आया, यहां सवारियों से भरे वाहन और एक कार में टक्कर हुई जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, तो वहीं हादसे में करीब 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को खटीमा के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 4 लोगों को हालत गंभीर होने की वजह से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बता दें कि यह हादसा पहनिया टोल टैक्स के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक उधम सिंह नगर जिले में खटीमा में पहनिया टोल टैक्स के पास सवारी से भरी फोर्स टैक्स क्रूजर गाड़ी को रॉन्ग साइड से आ रही एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में फोर्स ट्रेजर क्रूजर गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। रामनगर से उदयपुर जा रहे थे, तो ये जो खटीमा के टोल टैक्स है उसके थोड़े से आगे से और सामने से हमारा I-20 का कार आ रहा था, उसका ड्राइवर थोड़ा सा वो नींद में था, ठीक है। हम अपने लाइन से चले गए थे, वो अपने रॉन्ग साइड से चले गया था, नींद में आ गया वो गाड़ी के आगे। दोनों मतलब सेम स्पीड में थे, लेकिन उसने क्या किया, अपने बचाव के लिए हमारे गाड़ी में ठोक दिया कार वाले रॉन्ग साइड में आके, ठीक है, और दोनों में एक्सीडेंट हो गया। हमारा जो गाड़ी का ड्राइवर है वो जगह पे ही मौत हो गया। ये अभी लगभग 9:30 बजे के आसपास हमारे पास एम्बुलेंस और 1033 की गाड़ी लेकर आई थी, बहुत सारे पेशेंट थे, उनमें से एक पेशेंट की तो डेथ हो गई है और बाकी 4 पेशेंट को रेफर कर दिया गया है फर्स्ट एड देने के बाद, और जितने बचे हैं बाकी सबको फर्स्ट एड हमने दिया है, सब स्टेबल है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे मौसम की, जहाँ उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों से लेकर पहाड़ों पर और मैदानों तक मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यहां लगातार हो रही बारिश से किसानों की अधिकतर फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं और भारी बारिश के चलते तापमान में भी कमी आने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC स्टार न्यूज़।